नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। राफेल विमानों की खेप भारत आने लगी है, लेकिन इन विमानों के सौदे को लेकर सवाल उठने अभी बंद नहीं हुए हैं। देश में चुनावी मुद्दा बनने से लेकर विपक्ष के तमाम आरोपों से गुजरते हुए राफेल सौदे को कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन अब फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडिया पार्ट ने राफेल पेपर्स नाम से आर्टिकल प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल लड़ाकू विमान डील में गड़बड़ी का सबसे पहले पता फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एएफए को 2016 में हुए सौदे पर दस्तखत के बाद लगा। एएफए को ज्ञात हुआ कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसो एविएशन ने एक बिचौलिया को 10 लाख यूरो देने पर रजामंदी जताई थी। हालांकि एएफए ने इस मामले को प्रोसिक्यूटर के हवाले नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2018 में फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी पीएनएफ को राफेल सौदे में गड़बड़ी के लिए अलर्ट मिला था। साथ ही लगभग उसी समय फ्रेंच कानून के मुताबिक दसो एविएशन के ऑडिट का भी समय हुआ। कंपनी के 2017 के खातों की जाँच के दौरान क्लाइंट को गिफ्ट के नाम पर हुए 5,08,925 यूरो के खर्च का पता लगा। ये सामान मद में अन्य मामलों में दर्ज खर्च राशि के मुकाबले कहीं ज्यादा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस खर्च पर मांगे गए स्पष्टीकरण पर दसो एविएशन ने एएफए को 31 मार्च 2017 के लिए बिल मुहैया कराया, जो भारत की डेफिसिस सॉल्यूशन की तरफ से दिया गया था। ये बिल राफेल लड़ाकू विमान के 50 मॉडल बनाने के लिए दिए ऑर्डर का आधा काम के लिए था। इस काम के लिए प्रति नग 20,357 यूरो की राशि का बिल थमाया गया था। अक्टूबर 2018 के मध्य में इस खर्च के बारे में पता लगने के बाद एएफए ने दसो से पूछा कि आखिर कंपनी ने अपने ही लड़ाकू विमान के मॉडल क्यों बनवाए और इसके लिए 20,000 यूरो की मोटी रकम क्यों खर्च की गई। साथ ही सवाल पूछे गए कि क्या एक छोटी कार के आकार के ये मॉडल कभी बनाए या कहीं लगाए भी गए हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील की थी। इनमें से एक दर्जन विमान भारत को मिल भी गए हैं और 2022 तक सभी विमान मिल जाएंगे। जब ये डील हुई थी तब भी भारत में काफी विवाद हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले राफेल लड़ाकू विमान की डील में भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।